तेरी यादों को प्यार करती हूँ, वाह, सौ जन्म भी निसार करती हूँ, वाह, तुझको फुर्सत मिले तो जाना, मैं तेरा इंतजार कर। जिंदाबाद। शुक्रिया, इससे तो अंदाजा मेरा बहुत अच्छा रहा। चार पंक्तियां और सुनाती हूँ, वो अंदाजा कैसा रहता है। ये किसी धाम का नहीं होता, वाह, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, वाह, तेरी तस्वीर देख ले। जिंदाबाद। और ये चार मिसरे मैं अपनी नौजवान बहनों को नस करूंगी, नौजवान भाइयों को नस करूंगी और बुजुर्गों से माफी चाहूंगी। अब वो क्यों, पहले सुने। अपनी आंखों को चार मत करना, वाह, और खासतौर से मैं अपनी छोटी बेटी की तरह है, मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा है, कविता को बड़ी बहन के नाते मशवरा। अपनी कुमार अपनी आंखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, लड़कियां मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत। बहुत बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। पंक्तियां अच्छी है, मशवरा बहुत खराब है। वैसे कुमार, ये मशवरा 20 साल पहले मुझे भी किसी ने दिया था। अब चलिए, मैं सीधे सीधे सिलसिले को नहीं, नहीं माना था, नहीं माना। अरे मतलब दो शेर सुनाती हूँ, ये सिलसिला यहीं खत्म करती हूँ। बहुत अच्छा सुनना है आप, अब सुनिएगा। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। इतना अच्छा सुनने हैं ये शेर आप सबको नजर। इनायत। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। कुछ लोगों को ये जी शेर में सुनाती हूँ तो गलत फहमी हो जाती है, सच्ची बात तो ये मैंने अपने महबूब के लिए लिखा। वाह वाह। दिल हमारा नहीं, सब अपने अपने महबूब के लिए सोचें। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। तालियां बजाओ वरना 100 बार पढ़ूंगी। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, रोज आया करो रोज जाया करो, रोज आया करो रोज आया करो। और अंजुम के कुछ शेर मुझसे भी ज्यादा मशहूर हो गए। ये शेर हिंदुस्तानी औरत की छोटी सी ख्वाहिश, मीठी मीठी सी ख्वाहिश। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं। आप लोगों ने आदतें बिगाड़ दी हैं। तालियां बजती हैं, उसे लगता है कि बहुत अच्छा सुनना है। वैसे आप बहुत अच्छा सुनना है, अब सुनो। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं,
पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। और अंजुम का ये शेर वीरस के कवियों के लिए मैंने लिखा, सुन रहे अभी अशोक ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा खासा लड़का है, मोहब्बतों की शायरी करे तो शायद, लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्या करना चाहता है। दिखाएंगे दिखाएंगे। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, वाह, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और अंजुम का ये शेर आपकी अपनी अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा जहां तक मेरी आवाज जाती है, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। मैं भोपाल के लड़कों की बात नहीं कर रही हूं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। बहुत अच्छे। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। और अंजुम का ये शेर मैं नहीं पढ़ती हूँ लेकिन आज पढ़ूंगी। आदरणीय प्रभा झा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, रामेश्वर शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, दिलों में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, ये शेर मेरा उन तक पहुंचे, अगर ऐसा होता तो इस कर्मश्री के मंच पर अंजुम रहबर नहीं होती। वाह वाह वाह। बस करना चाहती हूँ, इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, वाह, इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते।